कैंपस प्रोम में थोड़ा सब का स्वागत है। आज असं तुम्हें लेकर चल रहे हैं भूषण किड्जी प्री स्कूल जो कि जीरा विखे है। यह स्कूल बच्चों लिए एक वरदान है और हूँ इस स्कूल विखे माउंट लिटरा जी स्कूल प्राइमरी विंग भी शुरू हो चुका है। इस स्कूल विखे हर तरीके की बच्चों लिए मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। जीरा के आस पास के इलाके लिए यह स्कूल एक वरदान है। स्कूल का सारा स्टाफ बहुत ही मेहनती तजुर्बेकार है। साइड टीम ने प्रिंसिपल मैम ने गलबात की, साइड टीम ने इतने ऑनर सर ने गलबात की, जिन्होंने सानू भूषण किड्जी प्री स्कूल और माउंट लिटरा जी स्कूल बारे विस्तार में जानकारी। सब तो पहले तो हमेशा मेरी खुद की तो हमेशा ही रही है क्योंकि मैं जीरा का ही जमया और जीरा दे विच ही मैनू हमेशा ही रहा कि जीरा दे विच एजुकेशन और मेडिकल ये दोनों चीज़ों की हमेशा कमी रही है। तो जदों मेरे खुद के बच्चे छोटे से तो मैनू अपने बच्चे बाहर भेजने पे, उस तो बाद मैं इस गल का मन बनाया सीगा कि मतलब जीरा शहर दे विच एक ऐसा स्कूल होना चाहिए कि जो जिंदे लिए साढ़े छोटे बच्चों तो खास करके स्ट्रगल ना करना पवे। अभी सब तो पहले इतने किड्जी स्कूल लैके आता जो कि मतलब जी लर्न का मतलब फ्रेंचाइजी है। फिर नेक्स्ट सानू ये जरूरत पई कि असी इस तो अगले सैगमेंट पर जाइए, इसलिए फिर इस साल तो असी माउंट लिटरा जी स्कूल प्राइमरी लॉन्च किया जिंदे नाल कि असी स्टैप बाय स्टैप अपने ही इतों के बच्चे जो कि अच्छी एजुकेशन के नाल असी अगे लैके जा सकी कि सानू जीरे शहर के बच्चों खास करके इतों बाहरले शहरों के ना देखना पवे कि असी अपने बच्चे दो घंटे के सफ़र लिए पहले स्कूल भेजिए फिर दो घंटे के सफ़र तो बाद बच्चा वापस घर आता। तो जोड़े मदर फादर है उन्होंने लिए जी स्ट्रगल बच्चे की स्ट्रगल तो ज़्यादा मदर फादर की स्ट्रगल इस गल हो जाती है कि मेरा बच्चा दो घंटे तो गया हो और दो घंटे तो वापस आ रहा है, पढ़ूगा किस टाइम पर और वो किस टाइम पर रैसट करेगा। इस गल के लिए असी बहुत ज़्यादा सानू ध्यान रखते हैं और साढ़े बच्चे मतलब पिछले असी चार साल तो वर्क कर रहे हैं और साढ़ा स्कूल बड़ा अच्छा डे बाय डे मतलब ग्रो कर रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं कि जो असी जी स्कूल के नाते किड्जी के बच्चों दे पा रहे हैं वो बाहर भी उन्होंने जाके नहीं मिल पाता। ब्रदर किदां दा एक्सपीरियंस है तुहाडा जिहड़ा बच्चा असी देख रहे हैं तुसी लैके जा रहे हो, किदां दा एक्सपीरियंस है किड्जी और माउंट लिटरा जिहड़ा प्राइमरी जी वाला जिहड़ा प्राइमरी हैगा नाल? इवरे मैं मेरे रैलेटिव साइड से इस रोड से तो मैं एक दो बार इतों लंघिया से गई तो मैं लग्या भी स्कूल बच्चों से ठीक है। तो मैं फस्ट डे आया से तो फस्ट डे एडमिशन करवा गया जरा हूँ तीन दिन हो गए बच्चे नौ दिन। हाय वेलकम टू किड्जी एंड माउंट लिटरा जी स्कूल प्राइमरी एट जीरा एंड आई एम हैंडिंग ओवर दिस माइक टू देयर कोऑर्डिनेटर। मैडम वेलकम। Thank you, sir. Welcome here. And today I will tell you about our school. This is our Bhushan Kidzi Preschool Jira. Firstly, I will tell you about our school. Okay, let's start. Okay, firstly, here is a swimming pool for the kids. This is very comfortable for the students. They can play here. They can do water play activities here. Yeah, for the kids, we have trampoline, Mickey Mouse, slides, cars for the students so that they can play here. They can spend time with their friends and they can have enjoy a lot. We'll ask from the parents how they feel here. Okay, sir, please give me your views. Sir, बहुत बढ़िया है और मैं हाँ जी बच्चा खुश रहता है आगे हाँ जी बच्चा खुश करके पहला मैं लगाया सी दूसरे और तलवंडी रोड से पर उसे कुछ कंफर्टेबल नहीं महसूस करती सी फिर हाँ जी इतने बहुत बढ़िया लगा बाकी ये आई कैसा लग रहा है। Are you happy? Happy baby? Say yes. Yes. Option area here. For the kids, parents can come here, they can sit here and they can ask any, if they have any queries, they can ask from the reception area. And now I'll show you our office. This is our AFE office and here is our principal ma'am. दानी ये स्कूल जो आप सेवा में लाए हैं और एक नई आवाम पर जीरा वासियों को आप पहुंचा रहे हैं क्योंकि इसके लिए लोगों को दूर जाना पड़ता था और आप लोगों ने यहाँ पर ही एक बड़ी फैसिलिटी लाए हैं माउंट लिटरा जो आप प्राइमरी लाए हैं यहाँ पर और जी ले और किड्जी लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले क्या था कि जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको पेरेंट्स को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही थी क्योंकि जीरा में कोई भी ब्रांडेड स्कूल नहीं अवेलेबल था तो उनको क्या होता था कि बच्चों को मोगा या फिरोजपुर सेंड करना पड़ता था तो इतना डिस्टेंस अभी जो दो दो तीन तीन साल के बच्चे उनके लिए बड़ा हार्ड हो जाता है। तो ये है कि अब हम लोग सारी जो मॉडर्न एजुकेशन है जो कि किड्जी एक ब्रांडेड स्कूल है और पूरे ऑल इंडिया में इनके 2000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो सर ये एशिया का नंबर वन ब्रांड है। तो ये है कि आपको लेटेस्ट जो एजुकेशन है वो अगर आपको जीरा में ही मिल रही है तो फिर बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इससे उनको बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं जैसे सोने पर सुहागा हम बात करें, आपने यहाँ
इवन शूज़ जो हैं वो भी बाहर उतारते हैं लोग, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो जोन है वो बहुत ही पोल्यूशन फ्री रहे, डस्ट फ्री रहे। हम देख रहे हैं कि आपने पेरेंट्स को ये स्ट्रिक्टली मतलब वार्निंग की हुई है, और आप खुद भी जो है वो सारे के सारे जो आते हैं तो शूज़ पहले बाहर उतार कर, क्या कहना चाहेंगे इसमें डिसिप्लिन की एक भावना जो है पैदा होती है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, एक तो ये भी रहता है क्या कि हमारे पास बच्चे बहुत छोटे भी हैं, 2 साल के 3 साल के। ये होता है कि कई बार बच्चे घूम रहे होते हैं इधर उधर, तो ये हो गया अगर किसी टीचर का उनका पैर के ऊपर पैर आ गया तो फिर ये बच्चा हर्ट हो सकता है। मेन तो ये भी था हमारा रीज़न, और दूसरा ये था कि डस्ट और पोल्यूशन फ्री तो रखना ही है आजकल एनवायरमेंट। मतलब इतनी बीमारियाँ आ रही थी कि जो पिछले समय में हम लोग बहुत ही पैनिक से निकले हैं, और उस वजह से भी आपको लगा कि ये जी सर जो कोरोना का इतना सिस्टम चल रहा था उसमें भी इससे हाइजीनिक का काफ़ी रहता है सिस्टम, ध्यान रहता है। और बाकी सैनिटाइज़र का हम लोग पूरा यूज़ करते हैं, सारे रूम्स हम टाइम टू टाइम सैनिटाइज करके रखते हैं, डेली होता है, डेली बेसिस पे ये सारा काम। ओके, दिस इज़ अ नर्सरी क्लास, देयर सो मेनी फैसिलिटीज फॉर द चिल्ड्रन। हियर यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी बिग क्लासरूम फॉर द किड्स, लाइक वी हैव LEDs इन ईच एंड एवरी क्लासरूम फॉर द किड्स, वी कैन प्ले ऑल द राइम्स ओवर हियर सो दैट students can learn easily with the help of this. Okay, this is our playbook class here. All the facilities are also available here. Fully conditioned room is this, you can see. Here we have a tracing board here. One thing is different here. Like these are the different patterns available for the students. So that students can learn about the gripping, how to hold the pencil. Whenever they move these patterns from one place to another, it helps to improve their grossing power. That's it. Okay, this is our activity area here. Students can do lots of activities here. They can play with anything. They can take these building blocks. They can take rec kits, rods. All these things are available for the kids. They can do lots of activities with the help of this. And we have a library for the kids here. And we have these puppets for the children because children like it very much. They can play it here. And also we have a separate washroom for the kids. It is maintained according to the size of kids. Say hello. This is a junior KG class here, and all the facilities are also available here. And these are the concepts according to syllabus of these kids. We use these pictures to the students so that they can learn easily with the help of these pictures. Hello. This is a senior KG class here. Say good afternoon. Good afternoon. Sit down, please. And all the facilities are also available here. Here we have different concepts according to syllabus of these students. But you are enjoying? Computer lab in which students know about how to operate computer and know about various parts of computer, you can see. We show you a building of Mount Litter Z School, okay? Here is the first class. Yes. Good afternoon, students. Sit down, please. Here we have a furniture provide these students to, from 1st to 5th classes. And here we have a smart LED here. We can use it as a touch screen also. And this is our, we can use it as a board also. We can write all the numbers, letters over here. I'll show you like this. Mount. Also, it is Wi-Fi connected. We can take any topic from the Google and easily explain to the students with the help of this. Okay, now I'll show you a second class. This is the second class students here. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sit down, please. Thank you. Okay, now next one is... Here, we have a smart LED here. This class is as same as first class. We can use this as a touch screen. And we can use it as a board also. You can see our classroom is very airy. This is a very... Show all the class. Now write down again. Now tell me about yourself, please. Good morning, everyone. I am Gurfate. Yes. I am 8 years old. I study in Mount Litera Z School. I read in second class. I live in Zira. My favorite subject is English reader and maths. Thank you. Tell me about your family, please. My mother's name is Harvinder Kaur. My father's name is Inderjeet Singh. My sister's name is Sahaj Kaur. My family is
small. Main hall, we celebrate all the functions or celebrations here. You can see it is very big.